हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम लोग हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। एंड टुडे आई एम बैक विथ माय सो अनरोमांटिक हस्बैंड। मैं रोमांटिक नहीं सर, लड़कियों लोग तेरे को गाली देंगे, ठीक है? मैं रोमांटिक क्यों? लड़कियों को कैसे पता रोमांटिक हो या नहीं, सब जानते हैं ना मेरे आज तो बुरे फंसे। लड़कियों को कैसे पता रोमांटिक हो या नहीं, वो पहले बता। सबको पता है, मैं इतना कैसे पता सबको रोमांटिक कैसे होता पता चलता है? नहीं, मैं बीवी हूँ, मुझे पता है अनरोमांटिक हो, ठीक है। लड़कियों को कैसे पता? तेरे बहन सबको पता है। आज एक्चुअली हम लोग का ये ब्लॉग था क्वेश्चन आंसर राउंड का, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन यही है मेरे तरफ से, सबको कैसे पता कि लड़कियों को स्पेशली कि मेरे हस्बैंड रोमांटिक है या अनरोमांटिक। सबको पता है मैं रोमांटिक हूँ, ठीक है? कैसे, हाउ? सबको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरा चार्जर प्लीज खराब मत करो। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। ओके, छोड़ो, लीव, बोर करेंगे सो लीव। तो एक्चुअली कुछ दिन पहले हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था क्वेश्चन एंड आंसर, कि हम लोग आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपका आंसर देंगे, मिल के आंसर करेंगे। हमेशा क्या होता ना, मैं अकेली आंसर करती थी। तो बहुत सारा क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाना क्या, मैं बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है हम लोग को, 10-12 मिनट में खत्म करना है वीडियो। हम लोग सारा क्वेश्चन का तो आंसर नहीं देंगे, कुछ कुछ का आंसर जरूर देंगे। कहाँ गया, ठीक है चलो। फर्स्ट क्वेश्चन तेरा मेरा था ना। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है, टेल मी अबाउट योर लव लाइफ। ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं लव स्टोरी लव, लव स्टोरी लव, ठीक है, स्लो बोल सकते हो। हाँ, तो इतना भी शॉर्ट वीडियो नहीं करना। तो बहुत लोग पूछते हैं अपना आपका लव स्टोरी लव, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, टेल मी अबाउट लव स्टोरी जो क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है, मैं हम लोग ने एक ब्लॉग बनाएंगे, जो कि एक ब्लॉग 2-3 पार्ट में रहेगा, ठीक है? वो ब्लॉग में लंबा स्टोरी रहता है ना, छोटा मोटा 10 साल का स्टोरी तो ऐसे एक ब्लॉग में नहीं खत्म कर सकते ना, तो लंबा स्टोरी बनाएंगे। मेरे लिए सो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा टोटल रिलेशनशिप 11 इयर्स का है, और जिसमें 11 इयर्स कैसे हो गया, और कितना 10 इयर्स हो गया, कैसे 10 इयर्स हो गया, 2014 to 2024। अभी हो जाएगा, अभी आ रहा है हमारा सेकेंड एनिवर्सरी, जिसपे हमारा मतलब 2 साल हो जाएगा शादी को, कुछ ही दिनों बाद आ रहा है एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा ये, हाउ इज लाइफ विद योर इन-लॉज? ये तो दोनों को हो सकता है ना, क्योंकि इन-लॉज तो तुम्हारे मेरे इन-लॉज वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन-लॉज है, हमारा जॉइंट फैमिली है, तो मम्मी खुडी डैडी दादा सब लोग। सो यू हैव टू मदर इन लॉ? यस, वैसे देखा जाए तो मेरे सबके एक एक होते हैं, मेरे 2 हैं स्टिल। आई एम वेरी लकी, मुझे बहुत बेस्ट मिले हैं, बहुत सपोर्टिव, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? देख रहे हैं ना, अच्छा है, मैं बोल देता हूँ, मेरा इन लॉ जो है वो भी बहुत अच्छे है। क्या बोल रहे हो, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, like so, मैं जब भी जाता हूँ ऐसे ही गांव के घर में हर बार जाता रहता हूँ, पढ़ा रहता हूँ, खाता पीता रहता हूँ, हम लोग मैं उनके घर जाता रहता हूँ। मम्मी जो है बहुत प्यारी है, मेरे को पूरा खुद के बेटे ऐसे करते हैं, बहुत खाना खिलाते हैं, बहुत उनके घर में सोता हूँ, सोता रहता हूँ। तो और जो है, और क्या बोलते, नाना नानी वो भी बहुत प्यारे हैं। नहीं नहीं बस इतने, सब बेस्ट, एक शॉट बेस्ट है, दोनों के फैमिलीज के साथ। हाँ, बेस्ट, और अदर इन लॉ इज आल्सो बेस्ट पार्ट इन माय लाइफ, बोलना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित जीजू अंत पिला केना मिलवा? इट वाज आस्क्ड बाय समवन, आई डोंट नो, टू यू, आई डोंट नो। अंकित जीजू अंता पिला के नहीं, मतलब क्वेश्चन ये है कि मेरा ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। सो मेरा ऐसा लड़का किसी को ढूंढ मत, ढूंढ बोल रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन पूछने के, तेरे को पूछ। तो इनके जैसे लड़का मिलेगा भवानीपटना भोईगुड़ा में?
नहीं वो कहाँ मिलेगा इनके जैसे लड़का क्यों चाहिए क्यों चाहिए मतलब किसी को अच्छा लग रहा होगा किसी लड़के को वही तो वीडियो में देख के फोटो में देख के सबको सब चीज अच्छा लगता है रियलिटी में जो देखता है उसको सब पता चलता है जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया सारी लड़कियों को पता है मैं कितना रोमांटिक हूँ सो क्या आपको चाहिए ऐसे अगर चाहिए तो फिर बताइए कमेंट कीजिए नेक्स्ट हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन लाइफ इन बैंगलोर एंड भवानीपटना क्योंकि हम लोग दोनों बैंगलोर में मैं एक्चुअली आप देखेंगे ये तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए तो बैंगलोर में करीबन मैं रुका हुआ हूँ 10 साल नॉर्मल 10 साल अराउंड 8 ईयर्स के आसपास होगा 2014 से 2022 के आसपास 23 पकड़ लो आप तो 6 महीने में हैदराबाद में रुका तो 23 9 साल पकड़ लो तो 9 ईयर्स आई हैव स्टेड इन बैंगलोर तो 9 साल में मैंने मैं 3 साल ओनली 3 ईयर्स मैं तो हाँ तो बहुत कुछ फर्क है तो वहाँ पे आपका लाइफस्टाइल अलग रहता है वहाँ पे बहुत पैसा खर्चा होता है यहाँ पे लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता है यहाँ पे कुछ पैसा खर्चा नहीं होता सब डैडी करते हैं यहाँ पे कुछ करना नहीं ऐसा नहीं है मैं नहीं बताता हूँ क्या हाँ अरे वो नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे जैसे हम लोग को ऐसा है कि रेंट पे करने का प्रेशर है या घर को कोई सामान लाने का जरूरत है क्योंकि हम लोग सामान लेंगे तभी ना लंच डिनर प्रिपरेशन होगा लेकिन यहाँ पे पैसा ऐसे कुछ नहीं होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे फैमिली के साथ हैं हम लोग यहाँ पे अपना घर है तो वो रेंट पे करने का और एक बात बोल देता हूँ मैं और एक बेस्ट चीज है वहाँ पे कुत्ते जैसा रहना पड़ता है यहाँ पे शेर जैसा चलोगे सीधी सी बात है वहाँ पे कुत्ता बनना पड़ता है कोई आएगा बोलेगा ये खा ये पी ए गाड़ी कैसा चला रहा है तो चुपचाप जाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा कोई गाड़ी कैसे कभी गए हो वहाँ पे चुपचाप वहाँ पे भी झगड़ लेते थे कि आप झूठ बोल रहे हो चुपचाप जाना पड़ेगा वहाँ पे गए हो कभी चुपचाप नहीं यार मैं नॉर्मल लोगों की बोल रहा हूँ मैं मेरे बारे में थोड़ा बोल रहा हूँ तो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप ही के बारे में क्वेश्चन है हाँ तो ठीक है मेरे बारे में नहीं नॉर्मल लाइफ इन बैंगलोर एंड भवानीपटना हाँ इतना बस डिफरेंस है बस बहुत लोगों का ये बोलना चाहूंगा कि अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम ले लो और घर आ जाओ ऐश करो मदर जो पापा मम्मी है बुढ़ा बुढ़ी हो रहे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो बेस्ट इन लाइफ मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ आई मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोलता हूँ कि आ जाओ भाई यहाँ पे अगर नहीं होता है ठीक है छोड़ो बिजनेस करो यहाँ पे आके लेकिन मम्मी पापा के साथ रुको क्योंकि यू आर द वन उनको चाहिए उनको वो कभी बोलेंगे नहीं लेकिन उनको दिल से चाहिए कि मेरा बेटा आके मेरा बेटा बहू आके मेरे साथ रुके मेरा सेवा करे मेरे साथ टाइम स्पेंड करे क्योंकि वो लोग बोलेंगे नहीं ठीक है हाँ प्रमोशन बहुत हो गया बहुत चौड़ों पर तो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का और वहाँ का जो डिफरेंस हम लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हैं स्पेशली मैं ये भी तो पता चल ही रहा होगा लेकिन डिफर ये है कि हम लोग यहाँ पे हमारा नाइट लाइफ कुछ नहीं रहता है हाँ, वहाँ पे जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पे ज्यादा नाइट लाइफ एंजॉय करना लाइक हम लोग लेट नाइट जा सकते थे बाहर आइसक्रीम खाने क्वेश्चन आया है भगवान के कहते मानसो दुई जोन भगवान कैसे मानते हो वही बहुत मानसी मुने माना ये भी बहुत मानसून हमें दुई जोन बहुत मानसून So, उन्हीं के लिए सब कुछ उन्हीं का देन सब कुछ शिव मंदिर जाता हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग ट्यूसडे माँ माणिकेश्वरी मंदिर जाता हूँ और सैटरडे जो कि माँ का दिन होता है मंडे ट्यूसडे और सैटरडे दोनों दिन में मैं मंदिर में रह आरती के टाइम रहूंगा जो भी आएगा मेरे को मिल सकता है वहाँ पे मंडे और ट्यूसडे और सैटरडे को आरती में मैं पूरा लास्ट में खड़ा रहता हूँ ये मीटअप विद अंकित नहीं मीटअप विद अंकित नहीं मैं पूरा लास्ट में कोना में खड़ा रहूंगा पूरा दर्शन मिलता है मैं अकेला वहाँ पे खड़ा रहता हूँ और माँ का दर्शन करता हूँ मैं तो हर ट्यूसडे सैटरडे को नहीं जाती हूँ लेकिन ज्यादातर जाने की कोशिश करती हूँ ट्यूसडे डिवोटी ऑफ माँ माणिकेश्वरी और मेरा वॉलपेपर में भी वही है आप देख सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप शुरू कीजिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों में से कौन किससे ज्यादा प्यार करता है ये फालतू कुछ तू बोल रही चल रहे मेरे बारे में कोई लड़का नहीं बोल सकता है मैं रोमांटिक हूँ या नहीं कोई नहीं बोल सकता है एक्सेप्ट माय हस्बैंड कोई नहीं बोल सकता है सो आंसर पता चलेगा खत्म यही पे बात खत्म नहीं नहीं मैं ऐसे बहुत प्यार करता हूँ ये मैसेज भी करती है दोनों दोनों से ज्यादा प्यार करते हैं आई एम नॉट तेरे ऐसा नहीं होगी मैं नहीं करता मैं करती हूँ और क्या स्टार्टिंग में बोल रहे हो लड़कियों को पता है रोमांटिक हूँ कि नहीं बस खत्म उसी में स्टोरी खत्म
अभी मैसेज बाद में पढ़ो यार, नहीं हो गया ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगता है। बेबी कब प्लान कर रहे हो, शादी हो या तो सब लोग पूछते हैं कब बेबी प्लान कर रहे हो, कब बेबी प्लान कर रहे हो। सो उसका आंसर ये है कि अभी उसके लिए बहुत टाइम है, तो छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड। मुझे सारा फूड पसंद है, कोई स्पेसिफिक फूड ऐसा है, कोई वेजिटेबल्स ऐसा नहीं है जो मैं नहीं खाती, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं नहीं खाती, मुझे हर चीज, मुझे खाना ही पसंद है, मुझे हर चीज पसंद है बस। और एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन ये है कि कौन किसको पहले प्रपोज किया था। हाँ ये वाला क्वेश्चन ना, हाँ, ये वाला क्वेश्चन। क्या लगता है आप सबको, कौन किसको प्रपोज किया होगा पहले, बताओ। इसलिए मैं किया था पहले, हमारे जमाने में, बोल दे रहा हूँ अभी के जमाने में लड़कियां प्रपोज करते लड़कों को, बहुत देखा हूँ मैं, अभी जो सोशल मीडिया लाइट चल रहा है, बहुत लड़कियां लड़कों के पीछे पागल होती हैं। हमारे जमाने में हम लोग को लड़कियों के पीछे पागल होना पड़ता था, लड़की नहीं पड़ती थी, ठीक है, सही में 2013-14 में मेरे को याद है, ठीक है, मतलब इसको पटाने में दिन रात कटा है मेरा, कटा है तो बहुत मुश्किल से पटी है, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। तो पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन पटी नहीं थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी मतलब स्कूल के सीनियर थे, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है हम लोग। मैं उस टाइम पे फर्स्ट फेसबुक में अकाउंट खोली थी मैं, तो सोची मैं कि सारा सीनियर्स को भेजती हूँ, क्या पता था लाइफ आके यहाँ पे ऐसे ब्लॉग बनाएंगे, ऐसे दो चेयर पे बैठ के। पावर अप अंकित, कमन मैन, ठीक है। तो ये कोई इतना ही क्वेश्चन था, ज्यादा को लड़का तो कोई तो पूछता नहीं है क्वेश्चन, इतना बहुत मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन आया था, इतना ही क्वेश्चन हम लोग बोल पाएंगे। और क्या बोलना है कुछ, और दो तीन क्वेश्चन है जिसका हम आंसर नहीं देना चाहते हैं, उसका आंसर हम नहीं देंगे। सो नहीं देते ना वही क्वेश्चन, बोलना क्वेश्चन क्या है, खाली बोल देंगे थोड़ा पहला बार क्लियर कर दे, ऐसा क्वेश्चन पहले लोग भी समझ जाने क्या क्वेश्चन है जो अच्छा नहीं ले जाना चाहते हैं लोग। बोलो क्या, वो सिपन का क्वेश्चन बोलू, बोलो ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या दू, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, मेरा एक फ्रेंड का एक क्वेश्चन था कि ब्लॉगिंग करते टाइम पे अगर इमरजेंसी पॉटी आ गया बाथरूम जाने को तो करते क्या हो, इसका मैं क्या आंसर दू, इसलिए ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ। हमारा जो व्यूज है थोड़ा ज्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तक थोड़ा सिस्टम में क्या बोलते उसको एल्गोरिथम में बैठ नहीं पा रहा है, तो आई एम जस्ट आस्किंग एवरीवन टू शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको जो बेस्ट फ्रेंड होगा 2-3 होंगे, ज्यादा से शेयर मत करो क्योंकि गाली देते, मैं जानता हूँ। इसीलिए जो बेस्ट फ्रेंड है उनको बोलिए, आपको देखने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा वीडियो देख पाएंगे। और इतना ही बोलना चाहूंगा और इसमें खत्म होता है हमारा ब्लॉग। और कुछ बोलना है, ब्लॉग तो खत्म हो गया लेकिन ये नहीं खत्म हुआ कि लड़कियों को कैसे पता चला कि हम कितने रोमांटिक। अरे हम लोग का ब्लॉग देख के उनको पता नहीं चलेगा कि मैं कितना रोमांटिक हूँ बोल के। रहने दो, छोड़ो, रील देखते हैं, छोड़ो। सो हम लोग ये ब्लॉग यही पे एंड करते हैं, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइए कि कैसा लगा छोटा सा। और लास्ट टाइम तो एक क्वेश्चन आंसर पे जो था, हम जो एक दूसरे को पूछे थे उसमें तो सब लोग अंकित को विनर ऐलान कर दिए, लेकिन इसमें तो ये तो क्वेश्चन आप लोग का था, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा कौन जीता, ये भी कौन जीता, विनर बताइए क्या। नहीं, क्या आंसर दिए, दोनों मिल के आंसर दिए थोड़ी ना, अकेले कुछ हमने आंसर दिया। तो हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू बाय।